हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने आर्थो पैरा डायरेक्टर के संबंध में पढ़े थे। आज हम उन्हीं आर्थो पैरा डायरेक्टर के थ्योरी या उनके एक्सप्लेनेशन को करेंगे, देखेंगे कि यहाँ कैसे आर्थो पैरा डायरेक्टर्स की क्या थ्योरी होती है, वो कैसे काम करते हैं आर्थो पैरा पोजिशन पर। यहाँ पर है थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टर। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट प्राय हम रेजोनेंस के द्वारा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ज़्यादातर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के होते हैं, लाइक एच जैसे OH ग्रुप, Cl, Br, मेथॉक्सी, एमीन, ये सारे ग्रुप जो हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। वन ऑफ दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू द बेंजीन रिंग बाय द इंट्रेक्शन ऑफ पाई सिस्टम। ये पाई सिस्टम के इंट्रेक्शन के द्वारा हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनाल है वो OH ग्रुप विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी प्रकार से जो फिनाल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, तो यहाँ देखिए कि ये फिनाल हो जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो फिनाल का फॉर्मेशन होता है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर ये यहाँ शिफ्ट होता है इस पर, इस तरह से ये शिफ्ट होकर आप जानते हैं कि यहाँ से अपने निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। फिर इसकी शिफ्टिंग इस स्थान पर हो जाती है तो यहाँ पर ये अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाते हैं और यहाँ ये शिफ्ट होने लगता है। यहाँ शिफ्ट होता है तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज, ये जो डबल बॉन्ड लगे हैं ये इस जगह शिफ्ट हो जाता है। इस जगह शिफ्ट होने का मतलब कि ये आगे प्रोसीड कर जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़कर देखते हैं कि यहाँ पर तो ये पूर्ववत की भांति यहाँ पर जैसे कि ये चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन ये जब यहाँ से आया तो अपने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया और ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, इस तरह से प्रोसीड होता जा रहा है, पीछे छोड़ता जा रहा है। फिर इसी प्रकार से OH ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ डबल बॉन्ड कंटिन्यू पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो यहाँ पर आगे बढ़कर गया था और ये इस तरह से यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया। एट लास्ट स्लाइटली हम देखें तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया और ये रोटेट करता रहता है इस तरह से और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली आ जाता है। तो ना हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द फिनाल बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द फिनाल इस तरह से कर सकते हैं। द रेजोनेंस हैव ए ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो आर्थो एंड पैरा पोजीशन हैव स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। नाउ इट इज easy to electrophile to attack on these position because they are electron deficient। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ये वही चीज है जो वहां हमें मिला था रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इस तरह से हमने लाया। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैकिंग होता है या तो आर्थो या तो फिर पैरा पोजीशन पर। तो आप जानते हैं
कि अगर ये की कार्बन होता है तो ये आर्थो पोजिशन और ये आर्थो पोजिशन, यहाँ मेटा मेटा है पैरा, और यहाँ पर जो होने वाला है वो आर्थो पोजिशन पर अटैकिंग हो रहा है। एक स्टार्ट है यहाँ इस आर्थो पर और यहाँ इधर से चलते थे इस आर्थो पर, और लास्ट में हम पैरा पोजिशन पर पैरा अटैक हम देख रहे हैं। तो पैरा अटैक हो रहा है तो ये आर्थो प्रोडक्ट, यहाँ अगर आर्थो पर हो रहा है तो आर्थो प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर यही अटैकिंग पैरा पर हो रहा है हम इसे पैरा प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ एमीन ग्रुप के साथ भी और हाइड्रोजन ग्रुप के साथ भी यही घटना होती है। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल हमने एमीन ग्रुप का दिया है, ये हमने एनिलीन ले लिया, एनिलीन इसी तरह से यहाँ आक्रमण किया चूंकि ये जाना चाहता है और जाना इसमें भी लालच नहीं है जाने का कि जाना चाहता है तो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से ये भी स्पर्शित करता है जैसा कि पहले हमने यहाँ भी देखा था, वही चीज यहाँ भी देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये तो सेम है, उसी तरह से आ जाता है, ये यहाँ पर अटैक कर लेता है और यहाँ बढ़ जाता है, फिर ये एट लास्ट इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रेट डबल बॉन्ड। बाकी हम देखें तो इसी तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड एमीन का हो जाता है। तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर या रेजोनेंट हाइब्रिड तैयार हो जाता है, ठीक है बच्चों। अभी इसके हम एक्सप्लेनेशन को अपने अगले वीडियो में ऐड करेंगे। थैंक यू। हाँ बच्चों, अभी तो हम लोगों ने पिछली बार देखा था एनएच2 के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से इजीली से दैट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप्स विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो इन पैरा पोजिशन, ये पिछले पार्ट से। अब हम आते हैं नए टॉपिक की ओर, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट बाई एल्किल ग्रुप तो एल्किल ग्रुप्स लाइक मेथिल एथिल प्रोपिल डू नॉट हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बट दे शोज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट बाई हाइपर कंजुगेशन आर नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा अथवा नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस के द्वारा असर करते हैं। इन दिस द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड लाइक एच कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड विल इंटरैक्ट विथ पाई सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग। यहां पर देख सकते हैं कि हम यहां पर कार्बन की संरचना बनाए हैं, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं, एल्किल ग्रुप है एक तरह से, तो हम देखते हैं कि यहाँ का ये पाई सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड इस पर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड सिस्टम का फॉर्मेशन करने की ओर चल देता है। तो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और हाइड्रोजन को बस चाहता जाता है। और यहाँ पर जो अभी आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये यहाँ अटैक करता है, अटैक करने के बाद इस तरह से इसमें निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और यहाँ का चार्ज आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पर पहुंच जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर पहुंच जाता है। इस तरह से यहाँ सिक्किंग होते हुए देख रहे हैं, फिर अगले में इस सेम पोजिशन अब यहाँ आ जाता है और यहाँ पर जो ये सिक्किंग हो रही थी, ये सिक्किंग इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुँच जाते हैं, इसके चार्ज यहाँ पहुँच जाते हैं और ये बॉन्ड इस तरह से देखते रहते हैं। और ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि ये इस स्थान पर अपना चार्ज आ रहा है और ये लास्ट में इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जब ये हट जाता है इस तरह से तो हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जाता है। पार्शियली हम देख सकते हैं कि हर जगह हम पार्शियली निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन पर जो पार्शियल चार्ज है वो हो जाता है। इस तरह से हम रेजोनेंस हाइब्रिड देख सकते हैं एल्किल ग्रुप में, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या आता है, द सब्स्टिट्यूएंट विच डायरेक्ट नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल प्राइमरीली टू मेटा पोजिशंस नोन एज मेटा डायरेक्टर्स। जो प्राइमरीली मेटा पोजिशन पर शिफ्ट होते हैं उन्हें मेटा डायरेक्टर्स करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव्स मेटा डायरेक्टर मेटा डायराइट
मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन 94% only 5% of ortho dinitrobenzene and only 1% para nitrobenzene form. आइए इस समीकरण को हम देख लेते हैं कि ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन होता है, तो आप जानते हैं कि ये दो तरह से टूटते हैं और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर इस तरह से शिफ्ट हो जाता है. ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ शिफ्ट हो गया आर्थो पोजीशन पर, तो आर्थो पोजीशन पर अगर ये आकर शिफ्ट होता है तो यहाँ से 5% आर्थो प्रोडक्ट बनता है. 5% आर्थो प्रोडक्ट इट मीन्स आर्थो पोजीशन पर 5% जो नाइट बन रहा है इसको हम कहेंगे आर्थो डाई आर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन. तो अगर ध्यान से देखें तो दोनों सेम चीज है, तो दोनों के लिए आर्थो आर्थो का पोजीशन है. हम चाहे तो इसको हटा भी दें तब भी ठीक है, बट यहाँ पर देखिए अब मेटा पोजीशन ये है. अगर ये आर्थो ये हो रहा है कि कार्बन इसका जो है तो मेटा पोजीशन है, 94% मेटा प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर जो है कि पैरा पोजिशन पर पैरा प्रोडक्ट जो बन रहा है 1% बन रहा है. हमारे पास कुछ ऐसे मेटा डायरेक्टर्स हैं जिनको हम जोड़कर इस संरचना को बना सकते हैं, जैसे नाइट्रो नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप और अमोनियम. अमोनियम के लिए इस तरह से हम संकेत देते हैं NH3. ये भी जो है कि मेटा डायरेक्टर्स का काम करते हैं और साइनोसिन ग्रुप भी मेटा डायरेक्टर्स का काम करते हैं और सल्फोनिक एसिड SO3H ये भी मेटा डायरेक्टर्स का काम करते हैं. थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक. अपने नेक्स्ट वीडियो को हम अगले दिन जो है आपके लिए देंगे. समय समय पर आप जो है कि इसको देखते रहें, कोई प्रॉब्लम है तो उसे पूछने का भी काम करें और साथ ही साथ अगर आप इसे यूट्यूब पर देखते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें. मेरे चैनल का नाम है DRXRAMESHPRAJAPAPI. ठीक है, मेरा नंबर है 7 7 2. अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं. थैंक यू.